हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय खुफैटेक चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले इंस्टाग्राम का यहाँ पर पासवर्ड आप लोग किस तरह से देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है इंस्टाग्राम का, जो भी मैंने यहाँ पर एक डेडिकेट वीडियो बनाई जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाइए और वो वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज करते हो, बहुत ही दिनों से आप लोग इसे लॉग आउट नहीं करते, और दोस्तों लॉग आउट भी कर देते तो पासवर्ड आप लोग भूल जाते। तो दोस्तों, वही बताने वाला हूँ, अगर आपका लॉग आउट भी हो जाता है, पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बात जानना जरूरी है कि मैं आपको इसमें कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसके लिए मतलब दोस्तों आपको बार बार यहाँ पर पासवर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। डायरेक्ट आप लोग अगर कभी लॉग आउट करते अपना इंस्टाग्राम, तो फिर से आप लोग डायरेक्टली बिना पासवर्ड से वो लॉग इन कर सकते हैं। तो जिसका भी दोस्तों इंस्टाग्राम यहाँ पर चल रहा है, मतलब ऑन है, तो दोस्तों किस तरह से आपको ये सेटिंग करनी है पहले देख लो। चलिए दोस्तों, क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले इंस्टाग्राम में आना है, और आते ही दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल में आपके आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आप लोग ऊपर थ्री लाइन ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, थ्री लाइन का, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आएंगे, आप लोगों को देखिए सिक्योरिटी का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। सिक्योरिटी में जैसे ही आप लोग आएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेव लॉगिन इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर सेव लॉगिन इन्फो, तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये आपका ऑफ रहेगा इस तरह से, तो आपको क्या करना है, ये ऑन करना है। ये दोस्तों क्यों होता है, दोस्तों जब भी आप लोग पासवर्ड नया क्रिएट करते हो, तो डायरेक्टली ये जीमेल में आपके जो भी पासवर्ड आप लोग सेव करते हो इंस्टाग्राम में, तो डायरेक्टली सेव हो जाता है जीमेल में। और दोस्तों, आप लोग जब भी यहाँ पर लॉग आउट करते हो अपना इंस्टाग्राम और लॉग इन करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगता, वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाता है आपका इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ऑन करना बहुत ही जरूरी है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही अभी मैं आपको बता दूं, अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपका इंस्टाग्राम लॉग आउट है, तो किस तरह से आप लोग पासवर्ड देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ से सेटिंग पे मैं जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसे पहले लॉग आउट करके ले लेता हूँ। चलिए यहाँ से मैं लॉग आउट, ये मेरा आईडी है टेक्निकल लवर्स, तो यहाँ से मैं इसे लॉग आउट कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लॉग आउट कर दिया है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी लॉग इन करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ, अगर तो आप लोग को भी इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए यूजर नेम तो आपको पता होता है, किसी फ्रेंड को पूछ लेना अगर आपको यूजर नेम नहीं पता है। तो यूजर नेम इंटर करने के बाद अभी पासवर्ड किस तरह से यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। दोस्तों दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर होता है, जिसमें आप लोग फॉरगेट पासवर्ड करके इंस्टाग्राम आपको एक मेल भेजता है, तो मेल के द्वारा आप लोग यहाँ पर पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों इसका पासवर्ड हम लोग किस तरह से देखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। देखिए यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउजर में चले जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्रोम ब्राउजर में आने के बाद इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप लोग किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है अपने ईमेल आईडी का, तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी के लोगो के ऊपर क्लिक करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर आने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, तो ईमेल आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए मैनेज यूअर गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, मैनेज यूअर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है इस तरह से। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से साइड में इस तरह से लेना है, इस तरह से यहाँ पर आप लोगों को ऊपर दिखाई देंगे, आपको भी मोबाइल में यहाँ पर इस तरह से आपको शो हो जाएंगे। और यहाँ से आने के बाद दोस्तों देखिए सिक्योरिटी का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली नीचे की तरफ आना है इस तरह से लास्ट में, और ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल का लॉक लगा हुआ है वो यहाँ पर पूछेगा, तो वो आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है, मोबाइल का लॉक आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम का ऑप्शन यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, तो दोस्तों इसमें सारे पासवर्ड छुपे हुए मेरे इंस्टाग्राम के आए। तो चलिए आपको क्या करना है, आपको भी उसी तरह से इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ले लेना है। अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इंटर यूअर स्क्रीन लॉक, मतलब मोबाइल का जो भी आपने लॉक लगाया है या फिर फिंगरप्रिंट जो भी लगाया है, तो आपको दे देना है। चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरे यहाँ पर सारे जितने भी मेरे अकाउंट है इंस्टाग्राम के, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे शो हो रहे। अभी देखिए मेरा जो आईडी है जो लास्ट में है, देखिए यहाँ पर ये लास्ट में यहाँ पर देखिए ये लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए टेक्निकल लवर्स 5005, ये मेरी यूजर आईडी है और नीचे इसका पासवर्ड है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर ओपन नहीं करने वाला हूँ,
देखिए ये आग पे अगर आप लोग ने क्लिक किया तो यहाँ से ये पासवर्ड शो हो जाएगा। मैं सिंपल यहाँ से आपके सामने इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों कॉपी हो चुका है। अभी चलिए मैं चलता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के आईडी के अंदर जहाँ से मैं लॉग इन करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ये आ चुका है और यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और सिंपल दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अभी देखते हैं हमारा यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर ओपन होता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है। तो दोस्तों ये नई 2023 की ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे लगी है किस तरह से आप लोग पासवर्ड यहाँ पर निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।